एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम लोगों का अवेयर कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अनजाने में भी इस तरह का एक विचारधारा का या इस तरह के लोगों को समर्थन कर देता है जिसका भी उस जिसका कि उसको बाद में पश्चाताप होता है। तो मैंने अपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो ऐसे लोग जो जाने अनजाने में जो इन माओवादियों का समर्थन कर रहे हैं उनके लिए एक अपील जो है मैंने जारी किया है, साथ ही उनको एक तरह से वार्न भी किया है कि जो अंध आप लोग जो इनको अंध समर्थन दे रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए कि जब जो माओवादी आप देख रहे हैं कि उनका वजूद लगभग ख़त्म हो रहा है और उसके बावजूद वो जन अदालत लगा करके और जो वहाँ के गरीब आदिवासी लोग हैं उनकी जो है एक तरह से हत्या का फरमान जारी कर रहे हैं, आदेश जारी कर रहे हैं, जबकि ऐसा करने का उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कौन से संविधान के तहत लोग कर रहे हैं, कौन से कानून के तहत कर रहे हैं। तो कल्पना कीजिए कि जब वो अपना वजूद बचाने के लिए जंगल में जो है छिप रहे हैं, वो वहाँ एक अवैधानिक रूप से जो लोग हैं उनकी हत्याएं करने का फरमान जारी कर रहे हैं, और यदि जो ये जो लोग हैं जो प्रो माओइस्ट हैं आइडियोलॉजी के लोग हैं जो उनको समर्थन कर रहे हैं उनसे मैंने अपील किया है कि आप कल्पना कीजिए कि जब इतने कमजोर स्थिति में भी ये लोग लोगों की हत्याओं के और फरमान जारी कर रहे हैं और कई लोगों की हत्याएं भी कर रहे हैं, जैसे बीजापुर एरिया में सुर एरिया में काफ़ी जो लोगों की जो है वो पुलिस मुखबिर के नाम से उनको मार दिया था और उनको चेतावनी भी दिया था कि परिवार वालों को भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करें। तो जब ये इतने कमजोर होते हुए भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि यदि वो इन लोगों के समर्थन से कभी थोड़े बहुत भी मजबूत हो गए तो कितना नरसंहार करेंगे, कितना आतंक फैलाएंगे, उसके बारे में कल्पना करने से ही एक सिहरन उसे उठ जाती है। इसलिए जो लोग इनको समर्थन कर रहे हैं उनसे मेरा एक अपील है कि आप बाकी इशू को छोड़ करके एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते आप सोचिए कि जो निर्दोष हैं, गरीब हैं, गांव का व्यक्ति है उसकी हत्याएं जो है कर रहा है। तो हम जो है आप लोगों को इस तरह का जो है विचारधारा के लोग या इस तरह के जो एक निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं उनको अंध समर्थन न दें और उनसे आप मानवता के नाते, इंसानियत के नाते सोच करके भी इस प्रकार का समर्थन करने से बचें।